सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। यह है नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 3। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो चुका था और कांग्रेस के कुछ लीडर्स अब काउंसिल इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बनाए गए थे। उन्हें लगा इससे वो काउंसिल में ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज कर पाएंगे और उन्हें रिफॉर्म करने के लिए लड़ पाएंगे। तो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए नेहरू जी ने और सी आर दास ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई और यहाँ पर नेहरू जी का मतलब है मोतीलाल नेहरू। और इसके बाद दो फैक्टर्स ने लेट 1920s में इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दिया, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्लेशन। तो 1926 में एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइस कम होने लगी और धीरे धीरे एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड और एक्सपोर्ट भी कम होने लगा, जो 1930s तक बहुत ज्यादा कम हो गया। और इसके बाद फार्मर्स के लिए अपने हार्वेस्ट को सेल करना और रेवेन्यू भर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा। और सेकेंड फैक्टर था साइमन कमीशन। और यहाँ पर कमीशन का मतलब कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिन्हें कुछ कंट्रोल करने की या कुछ पता करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था जिसके हेड थे सर जॉन साइमन, और इसीलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन भी बोला जाता है। तो साइमन कमीशन को काम दिया गया था कि वो इंडिया जाए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की फंक्शनिंग देखे और उसमें चेंजेस सजेस्ट करे। पर प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इस ग्रुप के सभी लोग ब्रिटिशर्स थे और ये बात इंडिया के लोगों को और कांग्रेस के लीडर्स को अच्छी नहीं लगी। और इसीलिए 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो उसका स्वागत गो बैक साइमन नारे से हुआ। और इसके चलते वाइसरॉय इरविन ने कांग्रेस के लीडर्स को बहुत सारे ऑफर्स दिए ताकि वो नेशनलिस्ट मूवमेंट बंद कर दे, पर कांग्रेस के लीडर्स ने फ्रीडम की डिमांड की। और इसके बाद कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर वाले सेशन में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई और 26 जनवरी 1930 के दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें लोगों ने इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए प्लेज ली। फिर 31 जनवरी 1930 के दिन गांधी जी ने वाइसरॉय अरविंद को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी थी और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट में लगने वाले टैक्स को हटाया जाए जिससे सॉल्ट की प्राइस कम हो। और अपने लेटर में गांधी जी ने लिखा था अगर 11 मार्च तक उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। वाइसरॉय इरविन ने उनकी डिमांड्स पूरी करने से मना कर दी और फिर गांधी जी ने भी सॉल्ट मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो अब हम सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। सेकेंड पॉइंट, ये सॉल्ट मार्च 240 माइल्स का था जो 390 किलोमीटर्स होता है, और ये मार्च साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और डांडी पर एंड हुआ था, और डांडी एक टाउन का नाम है। थर्ड पॉइंट, और उन्हें साबरमती आश्रम से डांडी तक पहुंचने के लिए 24 डेज का टाइम लगा। फोर्थ पॉइंट, गांधी जी जहां पर भी रेस्ट करने के लिए रुकते थे वहां पर उन्हें सुनने के लिए हजार लोग इकट्ठा हो जाते थे और गांधी जी उन्हें स्वराज और नॉन वायलेंस के बारे में बताते थे। फिफ्थ पॉइंट, गांधी जी 6 अप्रैल 1930 में डांडी पहुंचे और उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके मींस सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ को तोड़ा। तो हमने इस चैप्टर में दो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अब क्वेश्चन आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कैसे अलग था। फर्स्ट पॉइंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1921 से 1922 तक हुआ था उसमें लोगों को सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करने से मना किया गया था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों को ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट ना करने के साथ साथ कॉलोनियल रूल्स को ब्रेक करने के लिए भी कहा गया था। सेकेंड पॉइंट, और इसके बाद इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में हजारों लोगों ने सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ को तोड़ा, और इसके बाद लोग फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट करने लगे।
लगे और लिक्योर शॉप के एंट्रेंस को ब्लॉक करने लगे। फोर्थ पॉइंट, फार्मर्स ने रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। फिफ्थ पॉइंट, फॉरेस्ट पीपल ने रिजर्व फॉरेस्ट में घुसना चालू कर दिया और वो लोग फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट करते थे और वो लोग रिजर्व फॉरेस्ट में अपने कैटल्स को ग्रेजिंग भी कराते थे। और मूवमेंट बढ़ने पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और इससे लोगों को और ज्यादा गुस्सा आने लगा और लोग और ज्यादा वायलेंट हो गए और लोग पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर अटैक करने लगी। और इसके बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट भी लोगों पर अटैक करने लगी और लोगों को अरेस्ट करने लगी और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया। और ऐसी सिचुएशन में गांधी जी ने मूवमेंट बंद कर दिया। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मार्च 1930 में और बंद हुआ मार्च 1931 में। पर 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट किया गया पर ये भी 1934 तक बंद हो गया। तो अब हम उन कम्युनिटीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों किया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिच पीजेंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, कंट्री की रिच पीजेंट कम्युनिटी जैसे गुजरात के पटीदास और यूपी के जट्स ने एक्टिवली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सेकेंड पॉइंट, ये रिच पीजेंट्स कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर थे तो ट्रेड डिप्लेशन और जो क्रॉप्स की प्राइस कम हो रही थी उसके वजह से इन्हें बहुत ज्यादा लॉस हुआ। थर्ड पॉइंट, लीच पीजेंट्स की इनकम कम हो रही थी और उनके लिए गवर्नमेंट को रिवेन्यू पे करना मुश्किल हो रहा था और गवर्नमेंट ने रिवेन्यू कम करने से मना कर दिया था जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। इन लोगों ने पूरे उत्साह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने बायकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और रिवेन्यू पे करने से मना कर दिया और इन लोगों के लिए स्वराज की लड़ाई हाई रिवेन्यू के अगेंस्ट थी। और 1931 में जब बिना रिवेन्यू कम हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टॉप हो गया तब ये लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए और इसीलिए जब 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुआ तो रिच पीजेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो अब हम बात करते हैं पुअर पीजेंट्स की, मीन्स गरीब फार्मर्स की। तो फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल फार्मर्स लैंडलॉर्ड्स के जमीन पर खेती करते थे। सेकेंड पॉइंट, और जिस तरह से इकोनॉमिक डिप्रेशन कंटिन्यू हो रहा था स्मॉल फार्मर्स के लिए लैंडलॉर्ड्स को और रिच पीजेंट्स को रिवेन्यू पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। थर्ड पॉइंट, स्मॉल फार्मर्स की डिमांड थी कि लैंडलॉर्ड्स उनके अनपेड रेंट को कैंसिल कर दे पर कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन को इतना सपोर्ट ही नहीं किया। तो अब हम बात करेंगे बिजनेस क्लास की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ये लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे और वो उन कॉलोनियल पॉलिसीज को बंद करना चाहते थे जो उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने से रोक रही थी। सेकेंड पॉइंट, वो फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट से प्रोटेक्शन चाहते थे क्योंकि इंडियन मार्केट्स में फॉरेन गुड आएंगे तो उनका सामान कम बिकेगा। और इन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस और 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को फॉर्म किया और इसे पुरुषोत्तम दास और जीडी बिरला जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने लीड किया। फोर्थ पॉइंट, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट किया और इम्पोर्टेड गुड्स को खरीदने और बेचने से मना कर दिया। फिफ्थ पॉइंट, सारे बिजनेसमैन के लिए स्वराज का मतलब था ऐसा टाइम जब कोई भी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन उनके बिजनेस को एक्सपैंड होने से नहीं रोकेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा रिच और पुअर पीजेंट्स और बिजनेस क्लास के लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया और क्यों पार्टिसिपेट किया। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।